मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, आचार्यवाणी में आपका स्वागत है और आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग, अयोग कैसा रहेगा मई के अंतिम भाग में। देखो मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से शनि की 7:30 आपके अंतिम भाग में चल रही है। एक वर्ष पूरा बाकी है करीब करीब शनि की 7:30 को खत्म होने के लिए, और ऐसे में ग्रहों का योग अयोग देखिए। मंगल महाराज राहु के साथ युक्त होकर आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव में विराजमान है। वहाँ पर राहु तो बहुत बढ़िया योग बना रहे हैं, लेकिन मंगल महाराज वहाँ पर आपके लिए कष्ट उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। मंगल आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो लाभ के और साथ साथ सुख के स्वामी हैं, और वो राहु से ग्रसित हैं। और ये राहु से ग्रसित होकर मंगल जब हो जाए तो कहा जाता है कि सुख में और लाभ में कमी करने के योग दे देते हैं। तो ऐसे में कुछ खास उपाय कर आप बहुत बढ़िया तरीके से आप इन कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। मंगल की शक्ति क्षीर्ण है, और मंगल की क्षीर्ण हनुमान जी कृपा से तो बढ़िया सुंदर हो सकती है। इन दिनों में विशेष तौर पर कुछ खास योग आने वाले हैं जब आप इन ग्रहों की शक्ति प्राप्त करा सकते हैं। साथ साथ शुक्र भी इन दिनों बृहस्पति के साथ अस्त अवस्था में चल रहे हैं। अब ये भी समझने का ज़रूरत है कि उन ग्रहों के प्रभाव को ज्योतिष जहाँ एक जगह ये डायग्नोज करके बताती है कि क्या क्या कारण बन रहे हैं, किस कारण से ग्रहों का योग बन रहा है, कौन सा योग बन रहा है और वो क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा। प्रभाव उत्पन्न करने के बाद ये भी रास्ता साथ साथ बताया जाता है गणित के साथ साथ सॉल्यूशंस के माध्यम से कि कौन सा उपाय कर किस रास्ते पर जाकर हम अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। तो उसी लिए हमारे इस कार्यक्रम में हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं कि नित्य प्रति ग्रहों का योग क्या बन रहा है और कौन सा योग पंचांग के दृष्टिकोण से आ रहा है कि कौन से रास्ते पर चल कर आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो सुन लीजिए अब सिलसिलेवार तरीके से आपके ग्रहों का योग किस प्रकार से है। देखिए जितना सूर्य का जो परिवर्तन हुआ उसके कारण से बुध और शुक्र दोनों अस्त हो गए, इन तीन ग्रहों की त्रिग्रही युति हो चल रही है। इसके साथ साथ अभी चतुर्ग्रही और पंचग्रही युति भी बनने वाली है, एक साथ ही यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे और साथ साथ यहाँ पर इन्हीं तीन ग्रहों के साथ साथ सूर्य के साथ बृहस्पति के साथ शुक्र के साथ बुध भी आने वाले हैं। और इसके साथ साथ राहु और जो मंगल है वो एक साथ चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए उनके कारण से क्या होने जा रहा है कि थोड़े से भाव में तेजी मंदी का असर देख सकते हैं। आप सोना चांदी गुड़ जो विशेष तौर पर खांड इत्यादि तेल इत्यादि मेवा इत्यादि इन सब में तेजी भाव बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से। सिलसिलेवार तरीके समझें ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। 21 मई की यदि हम बात करें, सबसे पहला दिन 21 मई जो है विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर है उस दिन, और त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे, तुला राशि चंद्रमा यानी दशम भाव में आपके चंद्रमा रहेंगे। तुला राशि के चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए सुंदर योग का निर्माण कर रहे हैं, आपके कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग दे रहे हैं। आपके कार्यों में विशेष तौर पर कुछ लोग जो इंटरवीन करने का प्रयास करेंगे अपने ही नुकसान को कराएंगे, ऐसा ग्रहों का योगायोग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो बुध चंद्रमा का सुंदर योग आमने सामने बैठकर जो बन रहा है वो आपके कार्यों में सफलता देने के योग अच्छे बनाते दिखाई दे रहा है आपके। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि आपके जो शुक्र और बुध दोनों, शुक्र और बृहस्पति दोनों अस्त चल रहे हैं पंचम भाव में बैठकर, उनके कारण से आपकी बुद्धि स्वयं आपका पूर्ण लाभ देने के योग नहीं बना रही है। तो ऐसे में सुंदर योग बन रहा है, एक शत्रु प्रबल भारी होते दिखाई देंगे आपको, लेकिन उन पर विजय प्राप्त करने के लिए नरसिंह जयंती है आज, भगवान नरसिंह का अवतरण दिवस है। तो जैसे भक्त प्रहलाद पर उन्होंने कृपा करी, बड़े से बड़े शत्रु का उन्होंने क्षय किया, छिन्नमस्तिका देवी की भी जयंती है, रवि योग विद्यमान है, नए कार्य करने के लिए अच्छा दिन है। तो माँ भगवती की उपासना, छिन्नमस्तिका देवी की उपासना, ये छिन्नमस्तिका देवी ब्रह्म जिस प्रकार से भगवती बगुलामुखी है वो उसी प्रकार से एक भगवती का जो दिव्य स्वरूप है जो समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करने का योग देती है, शत्रुओं को समाप्त करने का योग देती है। इस संसार में बड़ी विचित्रता है, जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग शत्रु भी होते हैं और बहुत सारे लोग हमारे मित्र भी होते हैं। जब तक आप शत्रुओं को समाप्त करेंगे नहीं तब तक वो मानने वाले हैं नहीं। तो ऐसे में शत्रुता के भाव को समाप्त करने के लिए इन समस्त स्वरूपों का भगवती का स्तवन हम कर अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं, इसीलिए इन स्वरूपों का निर्माण शास्त्र में किया गया है। शास्त्र में कहीं हिंसा नहीं है, किसी की हत्या नहीं कर रहे हम लोग,
हम अपने जीवन में शत्रु भाव को समाप्त करने के लिए माँ भगवती के स्वरूप का, नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए पूजन करेंगे तो देखिएगा आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। 22 तारीख का अवसर, बुधवार का दिन, चतुर्दशी तिथि है और इस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए अभी भी अनुकूल बना हुआ है, लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल राहु की युति जिस प्रकार से चल रही है उसको ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। मित्रता बढ़ती दिखाई दे रही है, लोगों के साथ मित्रता बढ़ेगी, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा वजन इत्यादि समस्याएं आपको बढ़ने के योग दिखाई देंगे। आपको अननेसेसरी आपके आलस के कारण से कुछ भाव से आपके वजन को बढ़ने की स्थिति बन सकती है, थोड़े से रक्त विकार आपको परेशान कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। कूर्म जयंती है, भगवान विष्णु के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए ये कूर्म मुद्रा है, इस मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप में उनका पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 23 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का योग, पूर्णिमा तिथि सुंदर तरीके से विद्यमान है और इस दिन पूर्णिमा कई योगा योग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई है। चंद्रमा भी परिवर्तित होकर वृश्चिक राशि में सुबह सुबह पदार्पण कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव में योग बना रहे हैं। बृहस्पति के साथ सुंदर योग बनेगा जो गजकेसरी योग गोचर में निर्माण करेगा, जो आपको लाभ देने के सुंदर रास्ते बना सकता है। बुद्ध पूर्णिमा उस दिन विद्यमान है, पीपल जयंती है इस दिन, इस दिन पीपल की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले। देखिए साढ़े साथी आपके ऊपर चल रही है तो आपको एक दिव्य उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। वैशाख की पूर्णिमा के दिन पीपल जयंती होती है तो इस दिन एक पीपल के पेड़ को रोपित करने का प्रयास करें। मकर राशि वाले विशेष तौर पर पूरे वर्ष उसका अच्छा सा पूजन करके उसको नित्यपति जल देते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके ग्रह योग के नेगेटिव प्रभाव ठीक करने के रास्ते बनेंगे और आगे बढ़ने के योग बनेंगे। नित्यपति भगवान का स्तवन करते हुए इन समस्त चीज़ों का पूजन करते हुए आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन सत्यव्रत भी है तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। इस कलिकाल में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए सत्यनारायण भगवान का सबसे सुंदर पूजन करने का सुंदर कार्य रहता है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है जो सुबह 9:14 से आरंभ होगा और अगले दिन तक चलेगा। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन छोटे मोटे कार्य, बड़े मुहूर्त, घर का निर्माण करना, घर का आरंभ करना और विवाह इत्यादि के लिए मुहूर्त ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र और बुध बृहस्पति जो हैं दोनों के दोनों अस्त चल रहे हैं इन दिनों, तो उनके लिए मुहूर्त जब इन दोनों का उदय हो जाए तभी बनेंगे। लेकिन छोटे मोटे कार्य करने के लिए, छोटा टिप्पणी का मुहूर्त है, कुछ और करना है, वो सब कार्य कर सकते हैं। 24 तारीख का अवसर, शुक्रवार का दिन, प्रतिपदा ज्येष्ठ मास की है, जेठ का महीना आरंभ हो रहा है, ग्रह नक्षत्र आपके लिए सुंदर लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो सुबह 10:09 तक रहेगा। ऐसे में गौ पूजन करें, थोड़ा बहुत गाय के निमित्त हरी घास खिलाएं, थोड़ी रोटी इत्यादि खिलाने का प्रयास कीजिए, ईश्वर की कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। 25 तारीख का अवसर, शनिवार का दिवस है, द्वितीय तिथि है और साथ साथ नारद जयंती का सुंदर अवसर है। भगवान विष्णु के भगवान परम भक्त नारद जी हैं। एक दिन नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि भगवान आप कहाँ वास करते हैं, तो भगवान विष्णु ने कहा, नाम वैसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय नचा यत्र मद भक्ता गायंती तत्तिष्ठामि नारद, कि नारद जी मैं वहीं विश्राम वहीं रहता हूँ कि जहाँ मेरे भक्त मेरा वंदन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्त भक्ति भाव से आराधना करते हैं। तो आप भी ये सिद्धांत रूप से समझें कि नारद जयंती वो सुंदर अवसर है कि भगवान का स्मरण करने के लिए हम अपने जीवन को उसी प्रकार से निकालने का प्रयास, चलाने का प्रयास करें। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप कीजिए, बहुत सुंदर अवसर है ये, आपके लिए समस्त प्रकार से रास्तों को खोलने का प्रयास करेगा। आपके ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन का योग बनेगा। सुबह थोड़ी अच्छी है लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी एंजाइटी अननेसेसरी आपको परेशान कर सकती। चंद्रमा का परिवर्तन 10:35 पर होगा, ये थोड़े खर्चे बढ़ाने के योग देता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखते हुए सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों चंद्रमा का परिवर्तन जो हुआ है, गर्मी इत्यादि बढ़ रही है, अननेसेसरी सेहत पर थोड़ा खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई देते हैं। शनिवार का अवसर पड़ रहा है तो कोशिशें करें शनि के निमित्त कुछ खास चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। शनि को बनाए सदा सुख पाएँ। अभी हमने आपको बताया था पीपल के पेड़ का एक दिव्य उपाय, तो कोशिश ये करें पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़े से तिल को डाल दीजिए, एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, थोड़ा जल डाल दीजिए, एक प्रदक्षिणा कर लीजिए। ये सब उपाय कर आप सुंदर तरीके से पीपल का जो पूजन है वो वास्तविक तौर पर भगवान विष्णु का पूजन ही है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु महालक्ष्मी के साथ विराजते हैं और जो हम पीपल के पेड़ की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, वो वास्तविक तौर पर भगवान विष्णु की ही उपासना करते हैं और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ही शनि महाराज हमारे अनुकूल होते हैं। तो कई लोगों की भ्रांति रहती है कि पीपल शनि शनि का प्रतीक है, पीपल साक्षात विष्णु का प्रतीक है, उसके विशेष तौर पर इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अवश्य इस उपाय को करें। देखिए शनि की सरसाती का प्रभाव अभी एक साल बाकी है आपके ऊपर, तो ये उपाय करने से शनिवार के शनिवार तो कम से कम ये उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 26 तारीख का अवसर, रविवार का तिथि, तृतीय तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्रा भी विद्यमान है जो सुबह 6:33 से लेकर शाम को 6:06 विद्यमान रहेगी।
ज्येष्ठा नक्षत्र है, जो जातक जन्म लेंगे इस दिन उनको अवश्य मूल शांति कराने का प्रयास करना चाहिए। चतुर्थी का व्रत विशेष तौर पर आप कर सकते हैं, भगवान गणेश की उपासना कर सकते हैं। श्री विष्णु के साथ भगवान गणेश की उपासना करना, सूर्यदेव के साथ भगवान गणेश की उपासना करना आपके लिए सुंदर योग बनाएगा, लाभ के योग बनाएगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा घूमने फिरने पे ध्यान कम दें क्योंकि इस गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में लू इत्यादि की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान करने के योग दे सकती है। 27 तारीख का अवसर सोमवार की तिथि चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और मकर में चंद्रमा पदार्पण करेंगे शाम के समय। ये पदार्पण आपके लिए शुभ रहेगा। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है लेकिन जैसे जैसे शाम आएगी आपके लिए नई शक्ति का संचार करने का योग आपके ग्रह बनाते दिखाई दे रहे। तो महामृत्युंजय का मंत्र जप करें, सुबह सुबह शिव का थोड़ा दूध से अभिषेक करें। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुखी मामृतात् स्वाहा भू। ओम सह जुं हौं गुं, ये महामृत्युंजय मंत्र का स्तवन करते हुए यदि आप भगवान शिव का स्तवन करें तो देखिए आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा सुंदर तरीके से। 28 तारीख का अवसर मंगलवार का योग और पंचमी तिथि के साथ ये योग बन रहा है और जेठ का पहला मंगल है। ज्येष्ठ का मंगल अपने आप में बड़ा सुंदर योग बनाता है जिसको आदि रूप में कथाओं के रूप में बुढ़वा मंगल के रूप में स्थान दिया गया है। और इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से समझ लीजिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बना हुआ है। जो बृहस्पति जो राहु के साथ तृतीय भाव में बैठकर मंगल विराजमान है तो ये मंगल आपकी राशि में सुख के और लाभ के स्वामी हैं, और जैसा हमने आरंभ में बताया था आपको। और ये विशेष तौर पर इन दिनों मंगल को ग्रास करके आपके सुख में कष्ट देने के योग बना रहे हैं, अननेसेसरी के लाभ को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। राहु के साथ कोई भी ग्रह आता है ना तो उसको राहु निस्तेज कर देते हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर इस योग का लाभ लीजिए। बुढ़वा मंगल वो दिन है कि जब हनुमान जी ने भगवान राम के दर्शन किए थे, भगवान राम से मिलन हुआ था। तो आप बुढ़वा मंगल के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, सुंदर रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमने विवेकानंद योग आश्रम में भी बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है बुढ़वा मंगल, 4 बुढ़वा मंगल पढ़ेंगे जेठ के महीने में इस बार। और हमने नित्य हर मंगलवार पे हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ रखा है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है। तो आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से उसका लाभ ले सकते हैं। विवेकानंद आश्रम में ये कार्यक्रम शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सुंदरकांड का पाठ होगा, सवामनी का भोग लगेगा। तो सुंदर तरीके से आप भी अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हो। मंगल के नेगेटिव प्रभाव, मंगल क्या क्या नेगेटिव प्रभाव राहु के साथ युक्त होकर आपके लिए कर रहा है, थोड़ा आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। रक्त संबंधित विकार दे सकता है, साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो मंगल आपके वजन को बढ़ाने का भी कार्य कर रहा है राहु के साथ युक्त होकर। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए अच्छे योग बनाएगा, लेकिन अभी मंगल यहाँ विद्यमान है तो हनुमान जी का स्तवन करिए, कल्याण होने के योग बनेंगे, कष्ट को दूर करने के योग बनेंगे। 29 तारीख का अवसर बुधवार का तिथि षष्ठी तिथि विद्यमान है और कुंभ में चंद्रमा का पदार्पण होगा, लेकिन रात्रि में, दिन में आपके लिए चंद्रमा बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, आगे बढ़ने के योग दे रहे हैं। और एक और परिवर्तन का योग हो रहा है, कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बृहस्पति पदार्पण कर रहे हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और जैसे जैसे नक्षत्र में गति आगे बढ़ती है ग्रह की, तो गति से आगे बढ़ रहा है सूर्य से बहुत जल्दी। ग्रह जो है सूर्य आगे निकलते चले जा रहे हैं, बृहस्पति महाराज जो है अपनी गति से चलते हुए सूर्य से दूरी बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। 1 तारीख के बाद सूर्य उदय, बृहस्पति उदय भी हो जाएंगे और आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग 12 वर्ष बाद आपकी किस्मत को जगाने का योग बनने वाला है। और बहुत बृहस्पति बहुत सुंदर तरीके से ये मकर राशि वालों के लिए लाभ देने के योग की गति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको इस बुधवार के दिन भगवान गणेश की उपासना करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये नई शक्ति का संचार करेंगे, नव शक्ति का संचार चंद्रमा आपके लिए कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये गणेश जी का स्तवन करने तो और सुंदर होगा। 30 तारीख का अवसर विशेष तौर पर ग्रहों की गणना को हम समझने का प्रयास करें तो ग्रहों की गणना आपके लिए दिखाती है, विशेष तौर पर जो योग बना रही है वो आपके लिए है। बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और कालाष्टमी का सुंदर योग है। ऐसे में कुंभ में चंद्रमा का प्रवेश होकर शनि के साथ द्वितीय भाव में बैठकर ये आपके धन संबंधित कार्यों को थोड़ा तेज करने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी माता जी का आशीर्वाद लेकर, पिताजी का आशीर्वाद लेकर, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर आज इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे ना उसमें सफलता का प्रतिशत बढ़ सकता है। ये छोटा सा टोटका हम आपको बताने का प्रयास करें, अवश्य इस पर कार्य कर लीजिएगा। शिव का नाम लें, जैसे शिव का नाम लेकर समस्त प्रकार से कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं, तो अवश्य इस कार्य करने का प्रयास कीजिए। पीली चीज़ों का दान कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। 31 तारीख का अवसर शुक्रवार का योग अष्टमी तिथि और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो है बुध महाराज सूर्य राहु सूर्य के साथ, बृहस्पति के साथ और शुक्र के साथ अपनी भी युति करने जा रहे हैं। वृषभ में दोपहर को 12:11 पर बुध प्रवेश कर रहे हैं, चतुर्ग्रही योग बनेगा। यदि आपकी राशि में बात करें तो ये चतुर्ग्रही योग जो है पंचम भाव में बनता दिखाई दे रहा है।
और ये कई मामलों में आपके लिए उन्नति के योग बनाएगा। लेकिन ये समस्या थोड़ा ध्यान रखिएगा, चतुर्ग्रही योग जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं मन को थोड़ा सा हतोत्साहित भी करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें से दो ग्रह अस्त भी हैं। जहाँ जमीन जायदाद का लाभ प्राप्ति के योग बनाएंगे, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से कुछ अच्छा मन विचार हो सकता है, लेकिन बुध को बृहस्पति को यहाँ जागने दीजिए, तब इसका पूर्ण प्रभाव प्राप्त होगा। और बहुत जल्दी बृहस्पति महाराज जाग रहे हैं, बृहस्पति महाराज उदय होने जा रहे हैं और आपके लिए नई शक्ति का संचार आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। उसका थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य की ओर दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं, और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है, बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्रों शाखाओं को हम समझ लें, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है, रेमेडियल एस्पेक्ट जो है। आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाए, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग में भी चलने की ज़रूरत है। और सही मार्ग जो है वो वेद पुराण उपनिषद माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिषविदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथियों के साथ साथ विभिन्न योगा योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को, उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है, आने वाले समय में शनि जयंती वो पर्व है। विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आम तौर पर जीवन में कई कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासि वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें, और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में। तुष्टो ददासी वही राजम रुष्टो हरसी तत्क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हरने। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। शनि जयंती के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं। लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल 10-10 की तीन तीन 20-20, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के या टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेषतौर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें, शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं गई हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने की विधान बताए गए हैं, शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है, उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है, उस दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो का भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखे, आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, कनिष्ठ को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह है निदान का तरीका। निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए, और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा, उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझें कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से ही हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा।
एक वही वह व्यक्ति जो है उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्म पत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है उसके अनुसार से ग्रह योगों का आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को देखने को मिल सकता है। तो उन सबको समझें, तो इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का चिंतन विशेष रूप से गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से, लेकिन आप समझो कि मूल जन्मपत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्मपत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम लगातार पिछले करीब करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य योग प्राकृतिक चिकित्सा अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग, और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशवदी जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है, तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर सुंदर कांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रम में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे।